हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूँ जीएनएम थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं। आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के लॉन्ग क्वेश्चन, और यह पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी के बीच में है। अब देखिए, जो भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछ बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। जैसे एक नंबर दे देगा क्वेश्चन, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन दे देगा और इसमें एक ए में एक क्वेश्चन रहेगा, बी में क्वेश्चन रहेगा, सी में क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स में पूछेगा। तो इस प्रकार से यह एक नंबर क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। भले यह अलग अलग पूछा है तो यह स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी वो तो पढ़े हैं, वहाँ से तो प्रश्न आपको शॉर्ट लॉन्ग में आएगा ही आएगा। बाकी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, जो एक एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जाते हैं, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में खासकर एक एक क्वेश्चन भी लंबे लंबे होते हैं। तो चलिए हम देखेंगे, आज देखने वाले हैं एड्स के बारे में, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में, एड्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में और इसके उद्देश्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप लोग देखिएगा अच्छे से, क्योंकि आपके 10 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले जानिए एड्स होता क्या है। मेरे डियर, आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़े हैं, थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं, एड्स जो होता है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसका पूरा नाम है, ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स पूरा नाम, ओके। यह एक अत्यधिक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो कि HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा फैलता है। अब होता यह है कि यह जो होता है HIV, यह एक संक्रामण रोग है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है। अब इसमें होता यह है कि यह काफ़ी गंभीर होता है, काफ़ी खतरनाक यह संक्रमण होता है। एक बार अगर किसी शरीर के बॉडी में अगर पहुंच गया शरीर में, तो उसके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डिफिशियंट करने लगता है, मींस उसको अपर्याप्त करने लगता है, कमज़ोर करने लगता है, और धीरे धीरे यह जितना ज़्यादा फैलते जाता है उतना ज़्यादा व्यक्ति को कमज़ोर करते जाता है। जिसका वजह होता है कि जब इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो व्यक्ति में एक साथ कई तरह के बीमारी जो है क्रिएट होने लगते हैं, संक्रमण आने लगते हैं। तो HIV अपने साथ बहुत सारे रोगों को क्या करता है, अटैक करने लगता है, बहुत सारे संक्रमण आने लगता है। क्यों? क्योंकि यह इम्यूनिटी सिस्टम को ही कमज़ोर कर देता है, डिफिशियंट कर देता है, इसीलिए इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब मनुष्य के इम्यूनिटी प्रतिरक्षा को डिफिशियंट मतलब कमजोर करने वाला वायरस होता है, और उसके द्वारा यह फैलता है HIV के द्वारा, ठीक है। HIV संक्रमण एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव संक्रमण होता है जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधकता क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति में द्वितीयक संक्रमणों की संभावना बढ़ जाती है। मैंने वही बताया, द्वितीयक संक्रमण मतलब कोई दूसरा संक्रमण होने का संभावना बढ़ जाता है, और इसीलिए जो एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनमें एक तो एड्स का समस्या रहता ही रहता है, साथ में उनको और सारे बीमारी जो है उनको हावी हो जाता है, उनके ऊपर और सारे संक्रमण जो है क्या होता है पहुंच जाता है। तो इस जो है HIV एक प्रोग्रेसिव संक्रमण होता है जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहता है, कम नहीं होता, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। थेरेपी के द्वारा, दवाई के द्वारा इसको हम लोग कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी एड्स का कंप्लीट रूप से कोई दवाई आया ही नहीं है जो खाने के बाद पूर्णतः आदमी ठीक हो जाता हो, समझ गए। चलिए, अब इस ये तो जान गए एड्स क्या होता है, क्या करता है शरीर में। अब हम लोग इसके कार्यक्रम को बारे में देखेंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो आपको इसको प्रोग्राम के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये भी चीज़ जानना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम एड्स के मरीज कब मिला, ठीक है। मेरे डियर, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया, तो वर्ष 1986 में HIV से पीड़ित प्रथम व्यक्ति जो है पाया गया, मिला, ठीक है। मतलब इंडिया में प्रथम बार HIV के जो मरीज मिला वह 1986 में मिला, ठीक है। अब ये मिलने के बाद भारत सरकार एक्टिव हुआ, समझ गए। अब एक्टिव हुआ तो 1987 में जो है भारत सरकार ने एड्स के प्रभावी रूप को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। मतलब जो सरकार है वह तुरंत 1986 में खबर लगा कि भाई HIV के व्यक्ति जो है हमारे यहाँ मिल गया है। तो ये मिलने के तुरंत कुछ सालों बाद, ठीक है ना, मतलब लगभग एक साल में ही 86 में मिला, 87 में भारत सरकार ने इस पर अपना एक्टिव हो गया और इसके प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए एक कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया, जिसे हम लोग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है।
अब इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं यह कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, इसको क्या उद्देश्य है। मेरे डियर, एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया ताकि एचआईवी को नियंत्रण किया जा सके, रोक सके, ठीक है ना। एचआईवी संक्रमण के कारण होने वाले मॉर्बिडिटी, रुगणता मतलब बीमारी एवं मृत्यु का रोकथाम करना, मतलब एचआईवी के संक्रमण के कारण कोई और बीमारी होता हो या मृत्यु को रोकथाम किया जा सके, ये कार्यक्रम का एक हिस्सा था, एक उद्देश्य था। ओके, एचआईवी संक्रमण के फैलने के तरीके एवं बचाव के उपायों के बारे में जन समुदाय में जागरूकता फैलाना। अब लोगों में देखते होइएगा कि आपके गांव, आसपास, मोहल्ला में एचआईवी का जो है स्वास्थ्य हेल्थ टीम के तरफ से, स्वास्थ्य के तरफ से जो है प्रचार प्रसार किया जाता है भान के माध्यम से, या जो है स्व हेल्थ टीम आता है और वह नाटक के रूप में दिखाएगा, ठीक है ना, तमाम तरीके के चीज़ों से जो है प्रचार प्रसार करता है। तो यही सब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका काम होता है कि लोगों में इसके फैलने के तरीके के और इस पर बचाव के उपायों को जो है लोगों तक कैसे पहुँचाना है, इसका जागरूकता फैलाना इस कार्यक्रम में लिखा गया। तो इस कार्यक्रम में एचआईवी के संक्रमण को, मृत्यु और रुगणता को कैसे रोकथाम करना है, एचआईवी के संक्रमण से कैसे बचना है, फैलने के तरीकों को कैसे रोकना है, इन सब के जो है लोगों के बीच में जो है जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम इस उद्देश्य से आया, ठीक है। तो ये सब उद्देश्य है इसका, उद्देश्य समझ गए चीज़ों को, एचआईवी को रोकने के लिए। तो ये सब आपका हो गया इसका उद्देश्य, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ। अब हम लोग उद्देश्य देख लिए कि यह प्रोग्राम क्यों, उद्देश्य जो है क्यों शुरू किया गया, तो मुख्यतः हम लोग देख लिए हैं किसका, ये चीज़ के लिए, चीज़ के लिए, चीज़ के लिए शुरू किया गया। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है कौन कौन से एक्टिविटी किए जाते हैं, कौन कौन से जो है गतिविधि जो है इस कार्यक्रम में किया जाता है, आपको कुछ जो है चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कि जैसे होता है ना, जैसे मान गए कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल शुरू हुआ, तो स्कूल में डिसाइड करता है कि हम कितने तक अपने क्लास को संचालित करेंगे, 10th तक करेंगे या 8th तक करेंगे या 5th तक करेंगे या सिर्फ LKG UKG का ही पढ़ाएंगे, ऐसे कुछ सेट होता है ना स्कूल के अंदर में। तो ऐसे ही इस प्रोग्राम के अंदर में एक्टिविटी शामिल है, कुछ गतिविधियां शामिल है, या इसी को कुछ फंक्शन कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, कि कौन कौन से कार्य जो है इस कार्यक्रम के अंदर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इस कार्यक्रम के अंदर वार्षिक देख रेख निगरानी, एनुअल सेंटिनल सर्विलांस, वार्षिक देख रेख पर निगरानी होता यह है। इसके द्वारा न केवल उच्च जोखिम युक्त अपितु कम जोखिम वाले जनसंख्या समूह में एचआईवी संक्रमण की फैलाव दर संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, इसके द्वारा क्षेत्रवार एवं विभिन्न आयु समूह में एचआईवी संक्रमण की प्रवृत्ति का पता लगता है। वार्षिक देखरेख का निगरानी का मतलब है कि इस कार्यक्रम में एक चीज़, एक एक्टिविटी रखा गया कि भाई एक साल में एक डाटा का जो है कलेक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि पूरे साल में जो है कितने पेशेंट जो है एचआईवी से पीड़ित हुए, उसमें कितने जो है कितने का एचआईवी से डेथ हो गया, कितना जो है हाई रिस्क में है, कितना अभी लो रिस्क में है। तो ये साल भर के डाटा एकत्रित करने के बाद पता चलता है और ये जो है भारत सरकार के पास यह डाटा होता है, क्योंकि पूरे देश पर तो वही ना डाटा जारी कर सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ना, तो उसके पास डाटा होता है, हेल्थ के क्षेत्र में जो रिकॉर्ड रखा जाता है वह सब मौजूद होता है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, और वो जब चाहे जो भी बीमारी का खतरा ज़्यादा हो तो उसका जो है रिकॉर्ड जारी करके लोगों में बता सकता है कि देखिए इतना ज़्यादा रेट है, गड़बड़ रेट है, डेथ रेट इतना है, इससे आप लोग संभल कर रहिए, इस प्रकार से करता है। तो ये वार्षिक देख रेख पर उससे निगरानी रखने में मदद मिलता है। मान गए अगर साल में 1 लाख पेशेंट अगर पूरे देश में एड्स से पीड़ित मिला, उसमें से 1 लाख में से मान गए 2000 पेशेंट का डेथ हो गया एड्स के कारण, तो उसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना परसेंट व्यक्ति डेथ हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि आखिर यह जो है पेशेंट को हमारे देश में इसका फैलाव दर क्या है और इससे कितना पीड़ित है, कितना का डेथ हो रहा है। तो वह जो है देख रेख पर जो है हमें निगरानी करने में मदद करेगा, उसी तरीका से देखभाल भी एड्स के क्षेत्र में लोगों को मिल पाएगा। तो यह जो है वार्षिक देख रेख पर निगरानी रखने का काम इसके अंदर होता है, इस कार्यक्रम के अंदर, ठीक है।
दूसरा है रोकथाम पर जोर। अब इस कार्यक्रम में होता है, चूँकि हमारे देश में एचआईवी की संक्रमण एड्स का फैलाव दर 0.3 से 0.5% है, अर्थात देश की 99% से भी अधिक जनसंख्या संक्रमण से दूर है, संक्रमण से अलग है, ठीक है। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य इसके फैलाव के रोकने के उपाय पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन के दौरान सर्वाधिक प्राथमिकता उच्च जोखिम युक्त को दिया जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल नियंत्रण प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है प्रिवेंशन रोकथाम पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में एक एक्टिविटी शामिल है कि जो लोग अगर सबसे ज़्यादा एड्स के गंभीर वाला मिलेगा, जिस पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा जोखिम है, तो उसको जो है ट्रीटमेंट पहले दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो फैलने का दर हो वो कम किया जा सके, समझ गए। चूँकि हमारे 10 में अभी एड्स का जो रिकवरी है वह कम है, सॉरी एड्स का जो फैलाव दर है, जो प्रिवेंशन रेट है, फैलाव दर है, कम है, अभी 0.3 से 0.5% है, मान गए ये डाटा कुछ दिन पहले का होगा, तो अभी मान गए कितना होगा, 1% के आसपास होगा। तो अगर 1% के आसपास अगर पूरे देश के जनसंख्या में 1% आदमी अगर एड्स का है, तो 99% तो बढ़िया है ना, 99% तो उस संक्रमण से दूर है, तो 99% को तो बचाने के लिए कार्य किया जाएगा ना। तो इसके लिए ये किया जाता है कि जो ज़्यादा इस 1% में जो ज़्यादा एड्स के जोखिम होगा, पहले उसको जो है ट्रीटमेंट, उसका उपचार दिया जाएगा, और फिर जो है बाद में सबको देखभाल किया जाएगा, ताकि जो फैलाव दर है कम हो सके, लोगों के बीच में इससे रोकथाम किया जा सके। तो रोकथाम पर जोर इस कार्यक्रम के अंतर्गत देना एक एक्टिविटी है इसका, ओके। तीसरा है स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र, ठीक है। अब हुआ ये कि केंद्र एवं स्वैच्छिक रूप से, देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी चीज का व्यवस्था किया गया कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसके लिए सेंटर बनाया जाए, और वह सेंटर पर आकर अपना परीक्षण करा सके, एड्स का परीक्षण करा सके, काउंसलिंग करा सके, समझ गए ना, मतलब टेस्ट के लिए और काउंसलिंग के लिए एक सेंटर बनाया गया जो प्रत्येक जिला के स्वास्थ्य केंद्र पर होता है, जहां पे आप चाहें तो जाकर एड्स का जो है एचआईवी का टेस्ट करवा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आप में है या नहीं है, साथ में इससे जुड़ी हुई सलाह भी आप ले सकते हैं। तो यह जो है बिल्कुल निःशुल्क होता है, और यह स्वैच्छिक आधार पर है, क्योंकि लोगों का मन के आधार पर है, जिसको मन हो जाके जाँच कराइए, मन है नहीं कराइए, कोई यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है, स्वैच्छिक आधार पर लोगों के एचआईवी के संक्रमण और एड्स से संबंधित परामर्श जो है निशुल्क दिया जाता है। यह केंद्र का स्थापना किया गया इसी प्रोग्राम के अंतर्गत, समझ गए। चौथा है कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रोमोशन ऑफ यूज कंडोम। लोगों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों में यह शिक्षा दिया गया, लोगों को यह सलाह दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंडोम का यूज किया जाए। अनप्रोटेक्टेड मतलब असुरक्षित तरीके से यौन संबंध एचआईवी का मुख्य खतरा है, इसलिए कंडोम का उपयोग करने के लिए लोगों के बीच में निःशुल्क कंडोम का वितरण, समझ गए, किया जाता है, और साथ में लोगों को, ठीक है, रिलेशन बनाते समय कंडोम के उपयोग का सलाह दिया जाता है। तो ये कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का एक मुख्य जो है एक्टिविटी है, एक गतिविधि है। पांचवा है रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, इस ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक चीज और किया गया कि अगर किसी का भी ब्लड डोनेट किया जाएगा तो उससे पहले उसके ग्रुप मैच किया जाएगा, ये तो होता ही है, साथ में उसको एचआईवी का टेस्ट किया जाएगा, संक्रमण का टेस्ट किया जाएगा कि जो व्यक्ति ब्लड दे रहा है उसमें कोई एचआईवी वगैरह, वह एचआईवी से तो पीड़ित नहीं है, इसलिए उसके टेस्ट से पहले एचआईवी का टेस्ट उसका किया जाता है, और यह जो है सुरक्षित तरीके से रक्त चढ़ाने के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है। तो रक्त सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित तरीके से जो है ब्लड चढ़ाया जाए किसी को, इसलिए यह कंफर्म किया जाता है कि किसी व्यक्ति में एचआईवी नहीं है तो उसे ब्लड चढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए उससे जो है एचआईवी का टेस्ट कराया जाता है, और रक्त को सुरक्षित तरीके से चढ़ाने में इस कार्यक्रम जो है मदद करता है। तो इस कार्यक्रम में रक्त को सुरक्षा तरीके से चढ़ाने के लिए भी जो है कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्टिविटी यहाँ भी होता है। छठा है स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर। राष्ट्रीय एड नियंत्रण कार्यक्रम के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन तथा एचआईवी संक्रमण के प्रभावी तरीके से रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्यकर्मी जैसे चिकित्सक, नर्स एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है।
अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर जो भी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उससे ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग मीन्स कहा जाए कि एड्स के बारे में, कि एड्स क्या होता है, एड्स को, एचआईवी को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे इसको कंट्रोल करने का काम करना है। तो इसके लिए जो है जितने भी जो भी स्तर के स्वास्थ्य कर्मी हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गई, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, ये सबको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का एक हिस्सा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना भी है, ठीक है। सातवां देखिएगा, एचआईवी संक्रमित माता से उसके शिशु में संक्रमण की रोकथाम। अब कोई फीमेल है जिसको एचआईवी हुआ है, तो अगर उसका देखभाल नहीं किया जाएगा, उसका रोकथाम नहीं किया जाएगा, तो जो माता है उससे, माता से एचआईवी जो है उस बच्चे को हो जाएगा और बच्चा जन्म लेगा तो उसको जन्मजात एचआईवी हुआ रहेगा। तो इस चीज़ को जो है ध्यान देना चाहिए और रोकथाम करना चाहिए कि कोई भी एचआईवी संक्रमित माता से शिशु को संक्रमण न हो, इसका रोकथाम करना चाहिए। कैसे? गर्भवती महिला से उसके शिशु में एचआईवी की संक्रमण फैलने की संभावना निम्न प्रकार होती है, ठीक है। देख लीजिए कैसे जो है फैलता है माता से बच्चे में। गर्भ अवस्था के दौरान 10 से 15% फैल सकता है, प्रसव प्रक्रिया के दौरान 40 से 50% फैल सकता है, प्रसव के बाद यह जो है 25 से 30% जो है परसेंट फैल सकता है। अगर कोई महिला है एचआईवी से पीड़ित है तो उसके बच्चे में, गर्भ में जब वह रहेगा बच्चा, तो उस दौरान 10 से 15% जो है संभावना है फैलने का, तो इसका रोकथाम किया जाएगा। प्रसव प्रक्रिया के दौरान यह फैलने का संभावना सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रसव के दौरान बहुत सारे संक्रमण जो है बच्चे को अटैक कर सकता है, तो इसलिए यह भी जो है 40 से 50% हो जाता है अटैक करने का संभावना। एंड लास्ट में है प्रसव के बाद जो है अवधि के दौरान, मतलब प्रसव बाद अवधि के दौरान 25 से 30% फैल सकता है। तो ये जो है परसेंटेज है कि कब जो है माता से शिशु में फैल सकता है उतना परसेंट, ठीक है। आठवां है यौन संचारित बीमारियों का नियंत्रण। अब होता यह है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है इसको नियंत्रण करने के लिए भी जो है इसको जो है इस कार्यक्रम में काम किया जाता है, ठीक है। यौन संचारित बीमारी एवं एचआईवी संक्रमण के फैलने का तरीका लगभग एक जैसा है। देखिए एचआईवी भी एक प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही है और साथ में और सारे अन्य सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो चाहे अन्य भी कोई यौन संचारित रोग हो या फिर एचआईवी ही हो, दोनों का जो फैलने का तरीका है एक ही जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों तो एसटीडी रोग ही हैं, समझ गए ना। तो इसके अलावा यौन संचारित बीमारियों की मौजूदगी में एचआईवी संक्रमण का संचारण अधिक आसानी से हो जाता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस भी एक यौन संक्रमित रोग ही है, ठीक है। उसी प्रकार से गोनेरिया है, उसी प्रकार से एलजीबी भी है, ठीक है। अन्य भी जो है आपके सिफिलिस है, हर्पिस है, ये सब भी क्या है, संक्रामक रोग है, साथ में एसटीडी संक्रामक रोग है। तो अगर मान गए एचआईवी के अलावा अगर किसी को एसटीडी का दूसरा रोग है तो उसको एचआईवी होना बहुत ही आसानी से हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यौन संचारित बीमारियों के नियंत्रण तथा इसके शुरुआती अवस्था में निदान एवं आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उपचार द्वारा एचआईवी की संक्रमण को, संचार दर को कम भी किया जा सकता है। यौन संचारित बीमारियों का नियंत्रण, अब यहाँ पे कहता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का कंट्रोल करना। तो मेरे डियर, एसटीडी जो रोग होता है वह यौन से फैलने वाला रोग होता है, तो एचआईवी भी एक एसटीडी रोग ही है और साथ में और सारे रोग एसटीडी है। तो मान गए एचआईवी के छोड़कर अगर कोई दूसरा एसटीडी रोग हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, तो यह चांसेस बनता है कि दूसरा एसटीडी रोग जैसे ही होगा तो वह जो है आप एचआईवी को इनवाइट करेगा। एचआईवी जो है उसके बाद बहुत आसानी से व्यक्ति में हो जाता है। एक एसटीडी मतलब एक यौन संचारित रोग अगर कोई हो गया तो उसके बाद एचआईवी होने का भी जो संभावना है वह बड़ी आसानी से और बड़ी प्रबल हो जाता है। इसलिए जो है एचआईवी जो एसटीडी रोग होता है, अगर आपके अंदर एचआईवी अभी नहीं है, कोई एसटीडी रोग है, हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है, हर्पीज है, गोनेरिया है, कोई भी दूसरा एसटीडी रोग है, तो उसको जो है नियंत्रण कर लिया जाए, उसको शुरुआती अवस्था में ही देख रेख करके, उसका उपचार करके उसको जो है कंट्रोल किया जा सके, उसको संचार दर को कम किया जा सके, जिससे एचआईवी होने की संभावना कम हो जाए, ठीक है ना। चूँकि आप दूसरा अगर किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, कोई भी यौन संचारित रोग है और वो जो है शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नियंत्रण उस पर नहीं करवाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आसानी से उस व्यक्ति में जो है एचआईवी भी कुछ दिन के बाद हो जाएगा।
और जब HIV हो जाएगा तो वह दूसरे यौन संचारित रोग से ज़्यादा खतरनाक होता है, फिर वह शरीर में और सारे संक्रामक रोग को उत्पन्न करने लगेगा और इस प्रकार से जो है व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है। तो यौन संचारित बीमारियों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नौवां है, देखिएगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब इस प्रोग्राम यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो अगला गतिविधि है वह होता है ART। ART कहा जाए तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यह एक ऐसा थेरेपी है जिसमें HIV संक्रमण रोगियों को ART दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो है एक दवाइयों का समूह होता है जो व्यक्ति को मुफ्त में प्रदान किया जाता है और यह ART का फुल फॉर्म एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है जो एड्स के मरीजों के लिए दिया जाता है, ठीक है, जो कि इसी कार्यक्रम का एक काम है, एक गतिविधि है। समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना। अब इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि समुदाय में, गांव में HIV और इसके इलाज के लिए जो है लोगों में जागरूकता उपलब्ध कराएं, इस बीमारी के प्रति, संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएं, लोगों में इसके प्रति जो है क्या रवैया होनी चाहिए उसके बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि HIV संक्रमण एक लाइलाज बीमारी है। सीधा समझिए, HIV संक्रमण अगर किसी को हो गया, ध्यान नहीं देगा कि किस चीज़ से होता है, क्यों होता है, तो अगर वह ध्यान नहीं देगा और असुरक्षित तरीके से जो है यौन क्रिया करेगा किसी के साथ भी, या फिर जो है किसी के एड्स वाले मरीज के उपयोग किए गए सामान को उपयोग कर लेगा, या उससे गलत तरीके से ब्लड ले लेगा जो HIV से संक्रमित होगा, तो ऐसे में यह बीमारी लाइलाज होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। बस इसका नियंत्रण और रोकथाम कर सकते हैं जो आगे आपको और बढ़ने से रोकता है और जो है बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। बाकी एड्स का कंप्लीट इलाज नहीं है, इसीलिए इसका कोई उपचार नहीं है, केवल इस रोग से आप बच ही सकते हैं, बचाव ही एकमात्र इसका उपचार है, तथा इससे बचाव का सबसे प्रमुख उपाय है लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। जब लोगों में जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि HIV कैसे होता है, कैसे फैलता है, या होने के बाद क्या लक्षण होता है, इसका क्या नियंत्रण है, नियंत्रण होगा नहीं होगा, क्या निदान है, आदि चीज़ों के बारे में अगर लोगों को आप विस्तार से बताएंगे और लोग इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो लोग भी इसके प्रति सजग रहेंगे और कुछ भी गलत करने से पहले या किसी का सामान यूज करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे और इस तरीका से वह अपने को भी HIV से बचा सकते हैं। तो समुदाय में जागरूकता और उत्पन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। जेनरेट अवेयरनेस इन कम्युनिटी, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगा PDF जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वीडियो डालने के कुछ देर के बाद आपको जो है PDF यहाँ पे डल जाता है, तो आकर आप लोग पढ़िए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यह आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद आप सभी GNM 3rd year को।